और बिहार में जो ज्वलंत विषय है, बिहार की गिनती कानून व्यवस्था, बढ़ता भ्रष्टाचार, गिरती यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था, गिरता शिक्षा का स्तर, युवाओं के साथ जिस तरीके से दमन हो रहा है, युवा मजबूर है पलायन करके दूसरे राज्यों में जाने के लिए, छात्रों पे लाठी चलाई जाती है, शिक्षकों पे लाठी चलाई जाती है, अभ्यर्थियों पे लाठी चलाई जाती है, बट उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। बिहार बस, बिहारी बस, सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों से जुड़े हुई समस्या का समाधान है भाई। बिहार में जब तक निवेश नहीं आएगा, जब तक यहाँ पे आईटी सेक्टर नहीं खुलेगा, जब तक उद्योग नहीं खुलेगा, और उद्योग खुलेगा कैसे भैया, जब हमारे मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि प्रदेश लैंडलॉक्ड है, इसलिए यहाँ पे उद्योग नहीं लग सकता। संगठन को मजबूत करने का प्रयास राज्य मुजफ्फरपुर में, बल्कि पूरे प्रदेश में हम लोग संगठन पे हम लोग काम कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर खास तौर पर, क्योंकि वैशाली लोकसभा हम लोग लड़ते रहे हैं और इस उद्देश्य के साथ ही हम लोग यहाँ पर संगठन पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। पिछले दिनों भी एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर किया गया था, वैशाली लोकसभा की सीट हम लोगों के पास रही है और आने वाले दिनों में भी पुनः लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रत्याशी वैशाली लोकसभा से चुनाव लड़े। इस उद्देश्य के साथ संगठन भी यकीनन यहाँ पे काम चल रहा है, पर आज जिस उद्देश्य से यहाँ आना हुआ, समय पूर्व से उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब था, तो आज सिर्फ और सिर्फ उनसे मुलाकात कर उनका हालचाल जानना, उनके परिवार वालों से मुलाकात करने के उद्देश्य से आ जाना हुआ। आईएएस केके पाठक और शिक्षा मंत्री के बीच जिस तरीके से विवाद चल रहा है, उसमें क्या कुछ कहेंगे भाई? ये दिखाता है कि सरकार में कितना मतभेद और कितनी तनातनी है। अगर एक अधिकारी और एक मंत्री के बीच में बीच की बातें अगर इस तरीके से खुल के सतह पर आती हैं, तो कहीं ना कहीं वो सरकार की भी पोल खुलती है और गठबंधन की भी दरारों को दिखाती है। बट बहरहाल ये इन लोगों के बीच का मामला है, कई तरीके की बातें कही गई हैं, सरकार क्या उस पर कदम उठाती है ये निर्णय सरकार को ही लेना है। इस गठबंधन में जाएंगे उस पर चर्चा होती है, पर बिहार में जो ज्वलंत विषय है, बिहार की गिरती कानून व्यवस्था, बढ़ता भ्रष्टाचार, गिरती यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था, गिरता शिक्षा का स्तर, युवाओं के साथ जिस तरीके से दमन हो रहा है, युवा मजबूर है पलायन करके दूसरे राज्यों में जाने के लिए, छात्रों पे लाठी चलाई जाती है, शिक्षकों पे लाठी चलाई जाती है, अभ्यर्थियों पे लाठी चलाई जाती है, बट उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। बिहार बस, बिहारी बस, सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों से जुड़े हुई समस्या का समाधान है, और ये सही मायनों में समाधान है, मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा वाला नकली समाधान नहीं। और कोई भी समस्या बिहार से जुड़ी हुई हो, कैसे यहाँ पे बेरोजगारी का इसमें प्रमुखता से इसमें जिक्र किया भाई, बिहार में जब तक निवेश नहीं आएगा, जब तक यहाँ पे आईटी सेक्टर नहीं खुलेगा, जब तक उद्योग नहीं खुलेगा, और उद्योग खुलेगा कैसे भैया, जब हमारे मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि प्रदेश लैंडलॉक्ड है, इसलिए यहाँ पे उद्योग नहीं लग सकता। दिक्कत बिहार के भूगोल में नहीं है, दिक्कत मुख्यमंत्री जी की नीयत में है कि वो यहाँ पे उद्योग खुलवाना नहीं चाहते। आखिरी बार कभी हम लोग जवाब देते जो प्रश्न आपने पूछा, आखिरी बार मेरे मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टर समिट कब किया, कब उन्होंने निवेशकों को यहाँ पे बुलाया कि भैया आप आइए निवेश कीजिए, यहाँ पे आईटी सेक्टर खोलिए, उसके लिए हम आपको सुविधाएं देंगे। तो जब तक आप इन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, यहाँ पर एक से मतलब कृषि प्रधान प्रदेश है भैया, एक से एक उत्पादन होता है, क्यों नहीं यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए जा रहे हैं, यहाँ की लीची दूसरे प्रदेशों में जाकर, दूसरे देशों में जाकर चौगुने दस गुने दाम पर बिकती है, क्यों नहीं उसको यहाँ पे प्रोसेस किया जाता, क्यों नहीं उसकी पैकेजिंग मार्केटिंग की जाती। इन तमाम विषयों को लेकर बिहार बस, बिहारी बस में विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की है। क्या पूछ रहे थे?